वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ बॉम्बडीला। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के मार्केट्स, यानी कि लोकल मार्केट्स, वीकेंड मार्केट्स एंड लॉट्स मोर। बात बना की, हाँ। ये लोकल दारू बना के। जो आंटी बता रही थी वो एक लड्डू है जिससे दारू बनता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें आज हम बॉम्बडीला के मार्केट्स में देखने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड। चलो फाइनली आप पहुंचे हैं अपन बॉम्बडीला मार्केट में। ये ओरिजिनल मेन वाला मार्केट बॉम्बडीला का। यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं अम्मास मार्केट, जो मदर्स मार्केट है। लेडीज सिर्फ लेडीज बैठती है, जैसे कि मणिपुर में इमा का इथल मार्केट है, दैट इज मदर्स मार्केट। फिर नागालैंड में हम लोगों ने माओ मार्केट देखा। आई होप माओ मार्केट रिकवर सून, क्योंकि इट बर्न डाउन टू एशेस, सो आई होप दे रिकवर सून। और यहाँ पे अपन अभी जा रहे हैं अम्मास मार्केट। वहाँ पे सारी लोकल चीज़ें जैसे छुरपी, छुरगम, वो सब वो बेचते हैं। हाँ, ये छुरपी सोयाबीन से बनता है ना। हाँ, ये याक का मिल्क चीज है ना, ये बचपन में मैंने चबाया था, ऐसा लग रहा था सुपारी चबा। ये नीचे से आते हैं नहीं, मशरूम, मशरूम, ड्राई मशरूम, ड्राई मशरूम। लोग कैसे खाते हो इसको, चबा कैसे चबाते, सुपारी जैसा नहीं लगता एकदम? मैंने खाया था तो मेरा दांत टूट गया था बचपन में, बहुत बहुत। ये छोटा वाला ट्राई किया था बट हालत खराब हो गई। और ये क्या है, ये जबरंग बोलता है, जबरंग चटनी सब्जी में, ये खाने की आवाज अच्छा होगा बोलते हैं गाना गाने में, ऐसा क्या? और पीला मतलब। और ये छुरपी सोयाबीन का, और ये छुरपी याक का, ये वो याक, सारा छुरपी याक का उससे सब्जी बनता है इसे ना। ये क्या वो क्या कि ये भी बहुत हार्ड है। हाथ नहीं है नरम में, लेकिन ऐसे खा नहीं सकते। ये तो बात होना की मीस का की, ये लोकल दारू बनाते हैं। लाओ पानी। हाँ, लाओ पानी बनाते हैं। और ये क्या, ये दारू है? ये दारू नहीं, ये मधु है, मधु। मुझे लगा अच्छा इससे दारू बनता है, ये हानी है। घी तो याक का घी, याक का छुरपी है, गाय का नहीं यहाँ पे, बट ये याक तो यहाँ पे नहीं मिलता, कहाँ से आता है? मेरा भूटान से, भूटान से आता है, भूटान से। तभी सो वी रीच अम्मास मार्केट। और ये आई वॉज एक्साइटेड फॉर दिस, दिस इज कॉल्ड छुरगम। ये याक की चीज से बनता है बट ये इतना हार्ड होता है, मैंने जब चबाया था तो मेरे हाथ ऑलमोस्ट टूट गए थे, क्योंकि इट फेल्ट लाइक सुपारी चबा रही हूँ। यहाँ पे ये मिलता है, ये ट्राई जरूर करके देखिए जब अगर आप यहाँ पे आते हैं। एंड दिस इज याक घी, ये याक का घी है, अभी अभी आंटी ने पूछा, ये ऊपर भूटान से आता है। एंड दिस इज ऑल्सो छुरगम, दिस इज ऑल्सो छुरगम बट दिस इज लाइक द सॉफ्टर वन, ब्लैक मशरूम ड्राई किए हुए। Now most of you will be like, hey, why didn't you try out the yak's ghee? Well, यहाँ पे sample नहीं मिलता taste करने के लिए, अगर आपको taste करना है तो आपको पूरा का पूरा किलो खरीदना पड़ेगा। Same goes for छुरपी as well. ये धूप है जो हम लोग भगवान वगैरह को दिखाते हैं ना आरती के वक्त, ये वो धूप है, made out of pine tree. चलो अम्मास मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, जो मुझे वो सारी चीज़ें देखनी थी, छुरपी, छुरगम, काफ़ी छोटी थी मैं तभी देखा था, और अभी चलो वापस देखने लोगों से सबसे मिल भी लिया। मदर्स मार्केट यहाँ पे जब आइए तो ये लास्ट में अम्मास मार्केट, लास्ट में जाइए, उनसे मिलिए, एक्सप्लोर कीजिए, चीज़ें खरीदिए, लोकल इकोनॉमी का सपोर्ट करना अच्छा भी लगता है। जब अपन बॉम्बडीला के तरफ ड्राइव कर रहे थे तो उससे ठीक कुछ ही किलोमीटर पहले एक जगह मिला जिसका नाम था रूपा मोर। इतनी भीड़ किस बात की लगी है भाई, आज संडे है, 30th अप्रैल, और संडे में यहाँ पे एक लोकल बाजार बैठता है, जैसे बहुत जगह पे बैठता होगा, तो हम लोग अभी जा रहे हैं लोकल बाजार एक्सप्लोर करने। हमें ऑनेस्टली इस मार्केट के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, हम तो बस ट्रैफिक जैम के लिए रुके थे। लेफ्ट पे देखा तो इतना खूबसूरत एक फ्ली मार्केट दिख गया, इट वाज लिटरली लाइक अ मिनी सरोजिनी ऑफ बॉम्बडीला। थैंक यू सर, ये सारे लोग फोटो खींचो, फोटो खींचो, हम आपका खींचो, आप हमारा खींचो। नमस्ते।
ये टी शर्ट्स बेच रहे हो आप? टी शर्ट्स और अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। वो शर्ट का कितना है? इसका 100। 100 ना, अच्छा है ये। लेडीज जेंट्स दोनों पहन सकते हैं? नहीं, ये जो लेडीज का है। अच्छा लेडीज का है ना, अच्छा लगेगा ये। जो पुराना एक बार बाहर देख सकते हैं, वो ब्लू है। यस, नया है क्या? नहीं, पुराना है। और इसमें टेक भी होगा, ये इंडियन नहीं होगा, इसमें पूरा जिस जगह का है। आप इसको 100 rupees, यार ये पूरा सरोजिनी मार्केट जैसा लगा हुआ है यहाँ पे। शॉपकीपर से बात करने के बाद पता चला कि ये सारे कपड़े ऑक्शन के है। आमी मोरियानी। ओ, अच्छा। ये नामी बाजार है, रूपा। रूपा मो जिल्ली बोलते है, रूपा मो जगह का नाम ही रूपा मो। चलो, कपड़े तो मोस्टली सेकंड हैंडेड है, पर बर्तन सारे नए लग रहे हैं। यहाँ पे प्राइसेस पूछने के बाद पता चला कि ये सब होलसेल की प्राइसेस पे बिक रही है। स्टेनलेस स्टील के साथ साथ ब्रास और कॉपर के भी यूटेंसिल्स बिक रहे थे। हाँ, सब कुछ। मीट भी काट सकते हैं, मच्छी भी काट सकते हैं, जंगल उंगल जितना भी है ना, सब काटने वाला है। आप कहाँ से हो? हम आसाम से। हम तो भी आसाम से। आलू ले लो। राशन दुकान वगैरह भी है यहाँ पे, यहाँ से आप कुछ सब कुछ ले सकते हो पूरा हफ्ते के लिए। आलू ले लो, कांदे ले लो, लहसुन ले लो, एवरीथिंग। तो इस मार्केट में सिर्फ कपड़े और बर्तन ही नहीं, यहाँ तक कि एक्सेसरीज, राशन का सामान, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, सब कुछ का स्टॉल लगा हुआ था। मतलब ये ऑल इन ऑल एक बहुत ही बड़ा फ्ली मार्केट है। और लोकेशन तो बहुत ही बढ़िया था, मतलब मैं बचपन से पहाड़ों में जा रही हूँ, बट इतनी खूबसूरत मार्केट मैंने पहाड़ों के बीच आज तक कभी नहीं देखा। दिस वॉज एब्सोल्युटली स्टनिंग। और घूमते घूमते ये दिख गया जलेबी। तीन महीने मुझे डॉक्टर्स ने बाहर का खाना खाने के लिए मना किया है, तो मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और वहां से निकल गई। बट मेरे पापा ने खरीद लिया, तो ठीक है यार, बाहर आए हुए हो तो थोड़ा बहुत डाइट भूल जाओ और गिल्ट फ्री होके खाओ, क्योंकि अगर गिल्टी फील करोगे ना तो वेट तो वैसे ही बढ़ने वाली है। ये किससे बनता है? चावल पूरी होगी। यहाँ पे सारे शॉपकीपर्स मोस्टली बिहार और असम के ही थे। मार्केट का नाम है रूपा मोर, तो जब आप बॉमडिला जाओगे ये नाम याद रखना, रूपा मोर, और हर संडे को बैठता है। अरे, अब तक बॉमडिला का मेन मार्केट एक्सप्लोर करना खत्म नहीं हुआ, वहाँ का सिग्नेचर स्टोर अभी भी आपको दिखाना बाकी है। बट उससे पहले ये दिख गया गुलाब जामुन। फाइन, आई एम अ स्वीट टूथ, और बाहर जाने से मीठा खाने का कुछ ज़्यादा ही मन करता है, पर ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों आते हैं मुझे भी नहीं पता। चलो, गुलाब जामुन खाने के बाद अभी चलते हैं बॉमडिला मार्केट के सबसे सिग्नेचर स्टोर पे। स्टेटमेंट पीसेस का भंडार है ये जगह। फिर मैम, ये भी है बिग साइज, इसका वॉलेट दिखाई सर, 785। और इसका कितना? ये मैम 1000 rupees, ये 1200। ये जो साइड बैग पूरा लोकल है। पूरे मार्केट में इसके अलावा और दूसरा कोई ऐसा सिग्नेचर स्टोर नहीं है। यहाँ पे जितने भी पीसेस आप देख रहे हो सब स्टेटमेंट पीसेस है, जो लोकल और बाहर से आए हुए हैं। आपका ये शॉप का नाम क्या है? सिक्किम स्टोर। सिक्किम स्टोर, हाँ, तभी सारी चीजें सिमिलर लग रही है। अगरबत्तियाँ, अगरबत्ती लगा के यू कैन, यहाँ से आई हैव उसका एरोमा। इन सारी चीज़ों पे तिब्बतन कल्चर का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इस स्टोर में भूटान से, सिक्किम से, थाईलैंड से और आसपास के लोकल एरिया से सारे सामान आते हैं, एंड दे आर प्रिटी एक्सपेंसिव।
ये बीट का 800। ये क्या बीट है मैम? ये बीट बहुत बढ़िया है। ये क्या बीट है? 1500। ये कहाँ से आया है? ये थाईलैंड से आया हुआ है। ये बीट्स ही है ना? बीट्स है ये, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सिक्किम स्टोर का है जो बॉमडिला में मार्केट में ये काफ़ी पॉपुलर शॉप है सिक्किम स्टोर। तो ये सारे सिक्किम के ट्रेडिशनल नेकलेसेस, स्टोल्स, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये देख के इतना खूबसूरत लगा तो मैंने इमीडिएटली ले लिया, ये मुझे 650 का पड़ा। तवांग जाते वक्त अगर आप बॉमडिला रुके और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, आई वुड सजेस्ट आप ये मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टेटमेंट पीसेस हैं, अगर आपने कुछ ख़रीदा नहीं तो आप मिस कर जाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले लोकेशन से।